नागरिकता संशोधन बिल यानी सीए के प्रदर्शनकारियों पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यातायात को बाधित करने को लेकर आया है। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, आइए जानते हैं। उन्होंने हमें अपनी बहन कहा था, तो आज वो भाई को क्यों नहीं हमारी बहनों की दर्द दिखाई दे रहा है। शाहीनबाग की औरतें और शाहीनबाग का प्रोटेस्ट इन लोगों के गले की हड्डी बन गया है। हिंदू मुसलमान सिर्फ दंगे कराने गुजरात में आ रहे थे। देश के गद्दारों को गोली मारो लोगों। उसके तीन दिन के बाद ही ये एक्ट हो गया। मुझसे पूछा गया कि भाई ये सड़क आप क्यों नहीं खुलने दे रही, इससे क्या दिक्कत है, एक तरफ की सड़क खुल जाए। कल जामिया में एक बंदा प्रोटेस्ट से उठा और उसने शूट कर दिया। भाई इल्जाम क्या, वो तो प्रोटेस्ट का हिस्सा था। हमें पता है 100 में से 20 बंदे उनके टहल रहे हैं यहाँ पे, जो सिर्फ हमें एनालिसिस कर रहे हैं, हमें रीड कर रहे हैं। दैट्स उनका काम ही यही है कि यहाँ पे किसी तरह का अशांति फैलाई जाए। आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीएए और एनआरसी के प्रदर्शन को लेकर एक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। कोर्ट का यह फैसला दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों द्वारा नागरिकता संशोधन बिल यानी सीएए का विरोध करने के दौरान सड़क यातायात को बाधित करने को लेकर आया है। दरअसल इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारी ने सड़क पर ही धरना दिया था। जिस कारण इस सड़क से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आपको बताते चले कि फैसला आने से पहले बार एंड बेंच ने ट्वीट करके कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के विरोध अधिकार और आंदोलन के अधिकार जैसे अन्य सार्वजनिक अधिकारों के बीच संतुलन के सवाल पर आज अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली के शाहीन बाग में एंटी सीएए विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में कोर्ट के सामने यह बड़ा सवाल रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाक।